नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। आपके साथ मैं हूं वर्षा वर्मा। कोरोना से करा रहे हमारे देश को इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है वैक्सीन की। सच ये है कि वैक्सीन अधिकतर जिलों पर अभी या तो मिल नहीं पा रही है या फिर बहुत मुश्किल से मिल पा रही है, और इसी को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। विपक्ष ने वैक्सीन पर लगे पोस्टर पर जोरदार राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेताओं ने तो पोस्टर पर एक मुहिम शुरू कर दी है, मुझे भी गिरफ्तार करो। सवाल उठाता पोस्टर, पुलिस की कार्रवाई और उस पर सिहासी बवाल। वैक्सीन को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे पोस्टर लगे तो हड़कंप मच गया। पोस्टर के जरिए हमला सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला गया था, लिहाजा एक्शन में आई पुलिस ने 25 लोगों पर केस दर्ज किया, और सिर्फ केस ही दर्ज नहीं किया बल्कि कार्यवाही भी शुरू कर दी। पुलिस का एक्शन होते ही पोस्टर पर जबरदस्त पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस को मौका मिल गया केंद्र को घेरने का। राहुल गांधी ने पोस्टर को ट्विटर पर शेयर करते हुए चुनौती भरे अंदाज में लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। वहीं प्रियंका गांधी ने तो इसी पोस्टर को अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बना ली। कांग्रेस के विरोध के बीच पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने दिल्ली में अपने घर के बाहर ही ऐसे पोस्टर लगा दिए। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।